जुड़वा नगरी अचलपुर नगर में युवती की इज्जत लूटने की खबर ने सनसनी फैला दी। भाजपा महिला पार्षद के देवर ने ज्वेलर शोरूम में काम करने वाली युवती को शादी के नाम पर 3 साल तक शोषण करने की घटना खुद युवती ने सीटी न्यूज प्रतिनिधि के सामने उजागर की। अपने परिवार का उदर निर्वाह व अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने कारंजा घाड़गे की युवती 3 वर्ष पूर्व MPSC की पढ़ाई के खर्च निकालने हेतु अपने मुंह बोले भाई के साथ अचलपुर के एक ज्वेलर शोरूम में जॉब कर रही थी। इस दौरान अचलपुर नगर पालिका के कर्मी नरेंद्र रतनलाल तांबे, जो कि महिला भाजपा पार्षद के देवर है, जान पहचान हुई। ये पहचान धीरे धीरे प्यार में बदल गई। प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि 2 बार शादी कर चुके नरेंद्र तांबे ने इस युवती को शादी के सपने दिखाकर मेलघाट के जंगलों में ले जाकर मुंह काला करता रहा। प्यार में अंधी इस युवती को पता भी न था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इन 3 सालों में युवती ने 2 बार गर्भपात भी करवाया, क्योंकि नरेंद्र तांबे ने वीडियो क्लिप तैयार करके रखी थी, जिसके दम पर 3 साल तक मनमाने ढंग से उसकी इज्जत लूटता रहा। युवती को नरेंद्र तांबे विवाहित है पता लगा तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस घटना के बारे में अचलपुर थाने में शिकायत देने पहुंची युवती की पुलिस ने बिना शिकायत लिखे ही उसे रवाना कर दिया, क्योंकि नरेंद्र तांबे महिला पार्षद के नाम पर दादागिरी करता और अपना वर्चस्व बढ़ा रखा। आखिरकार थक हार कर युवती ने अचलपुर सिटी न्यूज प्रतिनिधि नितेश किलेदार को अपनी आपबीती सुनाई और न्याय की गुहार लगाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सरकार के नारे को जंग लग गया है। सरकार ऐसे मामलों में गंभीर नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। अपनी अस्मत खो चुकी युवतियों की शिकायत सुनने वाला पुलिस प्रशासन राजनीति का गुलाम बन बैठा, तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का प्रचार क्यों? कब से शुरू? 3 साल से। बताइए आप। 2015 में मैं यहाँ पे रहने को आई थी। मेरे उससे बस मुलाकात हुई, उसने पहले ये नहीं बताया था कि मेरे उससे शादी उसकी शादी कर। क्या नाम है उसका? नरेंद्र रतनलाल तांबे। उसने ये नहीं बताया था कि उसकी शादी हुई? नहीं, उसने ये नहीं बताया था कि मेरी शादी हुई है, उसको दूल्हे भी आई, ये भी नहीं बताया था उसने। बाद में मुझे कुछ दिनों के बाद लोगों से मुझसे मैंने मुझे हर एक बात बताने की सुननी पड़ी। मैंने उसको बोली कि ये तुम जो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं लोग, तो फिर वो वहाँ जाके बोलता था, दूसरों को धमकी देता था और बोलता था तूने ऐसे क्यों बताई ऐसे। उसने बहुत लड़कों के साथ में किया, तो फिर मैं डरती थी, मैं बोल नहीं पाई। फिर उसके बाद में उसने मुझे, मेरे साथ में जो लड़का रहता था उसको बोला कि तू यहाँ से चले जा, उसको मार के दुकान से निकाल के गांव में भेज दे। वो उसने फिर रहना बंद किया, वो जाने को 6 महीना हो गया है। तो फिर मैं अकेले गिर गई यहाँ पे, तो मेरे घर पे आया और मेरे मम्मी को बोला, तुम्हारी लड़की को बोले उधर भेज दे। फिर मैं वहाँ पे नहीं गई। तो उसने जून महीने में मेरा बर्थडे आता था, जून महीने वो मुझे बालाजी लॉज पे 3 बार लेके आया। तो 3 बार लेके आया बालाजी लॉज। हाँ, बालाजी लॉज। हाँ, बालाजी जय स्तंभ पे। तो बोलना बोले लॉज वाले को कि हम मेडिकल, मतलब मेरा ऑपरेशन हो गया था, तो बोले दवाखाने में के लिए आई करके अपना मेडिकल दिखा देना। बोले मैंने बोला ठीक। तो उसके बाद फिर बोलते कि तू रोज आना जाना करना बोले गाँव से। मैंने बोला मेरा आना जाना होता नहीं है। तो बोले मैं फिर और घर पे आऊँगा, मेरे मम्मी को मोबाइल पे फ़ोन लगाता, मतलब बार बार टॉर्चर कि वह नहीं तू आना ही पड़ेगा आना ही पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे आके रहना पड़ा इसी तरह। उसका 10 बजे का टाइम था, नहीं गए तो घर ले आता था तमाशा करता था, नहीं तो वो क्या करता था, मेरे जो साथ में लड़का रहता था उसको ब्लैकमेल करता था। उसको दो तीन बार उसकी दुकान में गया और उसको मारा पीटा वहाँ पे दुकान में जाकर। तो उसको मुझे दुकान में जाना ही पड़ता था। अभी भी ब्लैकमेल चालू है। कल तो बस मैंने नहीं बोला गांव जाने की, मैंने बोल दिया कि मैं गांव जा रही हूँ, तो घर पे आया मारा।
आपके साथ में ये शारीरिक शोषण अत्याचार आपके साथ में हुआ तो आपने इस बात की शिकायत पुलिस में नहीं? मैंने एक बार मैंने उसके घर पे फोन लगाया, वो मतलब उसके पापा बोलते सब्जी कहाँ सब्जी बेचते बोलते, तो वो बोले कि वो गए बोलते कंप्लेंट करने को, तो बोले उनकी बोलते कंप्लेंट ली नहीं थी, बोलते हकाल दिया था, बोलते उनकी कंप्लेंट अभी तक पुलिस में दर्ज नहीं हुई। मुझे बताइए कि अभी तक के आपकी जानकारी में ऐसी कोई लड़कियां पीड़ित मिली है कि जिनका उस व्यक्ति ने शोषण किया है? नाम लीजिए उसका। उसका नाम? मुझे नाम से नहीं, नहीं, जो जिसने आपके ऊपर अत्याचार किया उसका नाम लेकर ये बताइए। वो बयान करता हूँ मेरा क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। किसने आप पे अत्याचार किया? अत्याचार किसने आप पे अत्याचार किसने किया? उसका क्या नाम? नरेंद्र तांबे, नरेंद्र रतन। उसके अलावा उसका कोई दोस्त वगैरह भी साथ में रहते थे जिसका नाम आपको पता है? नहीं नहीं, उसके दोस्त वगैरह तो कभी तो आए नहीं क्योंकि वो अकेला लेके। तुम्हारी जो पहचान है वो प्रिया के थ्रू हुई क्या उनसे? हाँ, प्रिया के थ्रू। प्रिया ने तुमसे? प्रिया ने वगैरह बात करवा के वगैरह नहीं दी, मेरा मतलब आना जाना रहता था तो इसी कारण वो वहाँ पे बैठा रहता था। कब मालूम पड़ा वो शादीशुदा है? मुझे बहुत मतलब एक साल के बाद पता चला। पहली मरतबा जब तुमको सेमाडो की तरफ लेके गया तो जबरदस्ती किया इस्तेमाल? हाँ, तब जबरदस्ती की थी, फिर उसे तभी उसने बोला था, तभी मैंने मतलब मैं गांव छोड़ के जाने वाली थी, तब वो बोल रहा था तुम गांव जाओगी बोले तो मेरे पास तेरी बोले रिकॉर्डिंग। आपकी अभी की उम्र कितनी? 26 years। आज तक आपने पुलिस में शिकायत नहीं की? नहीं की। लिखित स्वरूप? नहीं, एक बार गए थे ना आप बोलते वापस भेज दिए पुलिस वालों ने? मैंने गई थी उनकी बीवी को, मैंने फोन लगाया था कि मैं से बताने को फोन लगाया था, पर उन्होंने कि मेरे नाम की पहले जाके कंप्लेंट कर दी थी, फिर मैंने उसको एक दो बार बोली थी मैं कि मैं कंप्लेंट करने को जाती, तो बोले मेरा बोलते कोई कुछ हो ही नहीं सकता। उल्टा उनकी बीवी ने तुम्हारी कंप्लेंट कर डाली थी पुलिस स्टेशन में जाके? बालाजी होटल में मैं फिलहाल में 3 बार गई हूँ। उसके अलावा भी शहर के और कहाँ कहाँ गए आप? चिकलदरा बुलोर या अन्य ठिकानों पर? चिकलदरा नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम में मतलब नहीं थी मैं यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम में वो मुझे कौन सा एरिया पता नहीं सेवाड़ों के उधर जंगल था उधर लेके गया। तब वहाँ जबरन आपके ऊपर अत्याचार? हाँ, तो हाँ, वो टाइम से मुझे बस पता ही नहीं था, तब मेरे मतलब ऐसी बात हुई थी उसकी तो मुझे नहीं पता था वो ऐसे करने वाला है, उस टाइम से वो मुझे बोल रहा था तुझे आना ही पड़ेगा, मुझे लगा कि उसके पास मेरा क्या है क्या नहीं सबूत है, उसकी औरत भी मुझे बोलती कि तेरी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है बोलती। यानी उसका ऐसा बोलना था कि उसने आपके गंदे फोटो निकाल के रखे, अश्लील फोटो, ब्लैकमेल कर रहा था? ब्लैकमेल कर रहा था। अरे गांव में आके भी उसने आज पूरे गांव में ऐसे बता दिया कि ए मेरे बच्चे की माँ बनी थी बोले उससे कोई शादी करना नहीं पड़ा। तुम्हारी माँ को भी तुम्हारे घर पर जाके? मेरे घर पे जाके भी उसने बताई कि तुम्हारी लड़की प्रेग्नेंट थी बोले तो कर। और आपकी माँ को भी मारा उसने? हाँ, मेरी मम्मी को भी उसने मारा था। कैसे मारा है? मैं घर पे नहीं थी, मैं बाहर गई थी, तो मेरी मम्मी ने बाद में मुझे फोन किया तो एक जन आया था बोले परतवाड़े से बोले, वो आके बोले ऐसे ऐसे बोल के गया बोले तुम्हारी लड़की ने हमारे पास से 5 लाख रुपए लिए और बोले कि वो उससे मुझे शादी करना है, छोड़ के चली जाऊंगी, अभी 2 महीने का मेरा एमपीएससी का क्लास बाकी रह गया, मैं तो चली जाऊंगी, पर उसके बाद में वो और दूसरी लड़की उसने पकड़ के रखी। अब तक के आपको ऐसा लगता है कि उसने कितनी लड़कियों के साथ में शोषण किया ऐसा बयान किया? तो ऐसे तो बहुत है, क्योंकि उसकी बीवी ने मुझे कल खुद फोन किया, मैंने फोन की थी उसकी बीवी को, उसकी बीवी ने तो खुद बताया मुझे, दूसरी बीवी ने तो बोले मैं थक गई बोले लाइफ से बोले, मैंने तो बोले बहुत बड़ी गुनाह किया बोले इससे शादी करके बोले, उसने तो बोले ऐसे सजा मिलनी को ना बोले उसको बोले भगवान भी बोले, पर बोले मैं तो रो रो की जिंदगी निकाल रही बोले यहाँ पे बोले, पर तू ऐसे काम मत कर बोले, तू भी अच्छा कुछ कर सकती बोले कर जा बोले, नहीं तो गाँव छोड़ के तू जा सकती। अब तक के कितनी लड़कियों का शोषण किया उसकी पत्नी ने बताया? उसने तो फिलहाल में बोलते 5 मतलब उसकी औरत ने बताया कि मैंने अभी तक बोले 3-4 लड़की को पकड़ा बोले खेत में, एक प्रीति नाम की लड़की का नाम लिया था और बोलते 2014 में से कौन से तो प्रकरण हुआ था बोलते कि एक 13 साल की लड़की थी ब्राह्मणी समाज की थी मुझे नाम नहीं पता, तो वो लड़की के साथ में किया तो उसकी कंप्लेंट डाली थी बोलते, पर उसने मुझे खुद से मुझसे बताया था नरेंद्र तांबे ने कि बोले मेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता बोले आज तक बोले मीडिया वाले कोई नहीं कर सकता बोले, क्योंकि बोले उसके साथ में 3 साल में जितने दिन हुए उतने दिन पे मैं रोज खेलती थी, मैं 2 बार प्रेग्नेंट रह चुकी थी, उसने 2 बार मेरा बच्चा। 2 बार आप जब प्रेग्नेंट रही तो आपने आपके माता पिता को बताइए? नहीं, क्योंकि मैं घर जाती थी तो ये घर पे हाथ आ जाता था। तो ये इस बात की आपने पुलिस में शिकायत नहीं की? मैं पुलिस में जाने वाली थी, उसकी बीवी को मैंने फोन लगाया, वर्षा को, वर्षा तांबे को मैंने फोन लगाया, उसको मैं बताने के लिए फोन लगाया, उसने मेरे साथ उठते उठते बात की और बोल रही थी मेरे पुलिस स्टेशन में जाते मेरे नाम पे उसने पुलिस स्टेशन में पहले कंप्लेंट कर दी। आपने वो जो
उसकी जो दो पत्नियां हैं वो दोनों पत्नियों को ये बात पता थी, मतलब बाद में पता चली, मैंने उनको फोन लगा के बताई बाद में कि मुझे पता चला कि उसको बेबी हुए हैं, दो शादी हुई उसके, तो फिर मैंने नंबर निकाला तो उसके मोबाइल से फिर उसके घर पे मैंने फोन लगाई तो बताने के लिए। उसकी बीवी ने मुझे पहले ही पॉलिटेक्निक में मेरे नाम की कंप्लीट कर दी थी, ये मेरे आदमी के पीछे लगी बोले पैसे के लिए, पर मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मैंने बोला मैं गाँव छोड़ के जाती, गाँव छोड़ने के लिए गई तो वो मेरे घर पे आके और तमाशा किया और मारने की धमकी दे रहा। अभी ये बताइए कि आप जब पुलिस स्टेशन गई, पुलिस स्टेशन में वहाँ के संबंधित जो अधिकारी है या पुलिस ने आपकी शिकायत लेने से इनकार किया? नहीं, उन्होंने मेरी कंप्लेंट की थी ना, तो फिर मुझे बोल रहे थे कि बोले तू कुछ है क्या, बोले रिकॉर्ड करने क्या बोला था प्रकाश सर ने को मैंने बताया था, प्रकाश सर बोल रहे थे बोले ठीक है बोले मैं करता बोले अभी बोले बाद में बोले तूने बोले आना बोले ऐसे बोल के, फिर उन्होंने क्या किया पता नहीं, फिर मैं दूसरी बार पुलिस स्टेशन गई नहीं, मुझे बुलाया नहीं। फिर बाद मैंने पिछले 3 सालों से आपका शारीरिक शोषण वो व्यक्ति कर रहा है, और इस बात में आपने कहीं भी शिकायत अब तक की तो आपकी शिकायत नहीं ली गई? मैंने शिकायत कहाँ पे की नहीं थी, मैंने घर पे बताया था, तो फिर मैंने एक मतलब हमारे यहाँ के समाज का मतलब करता है विनोद पाठी, उनको मैंने बताया तो वो बोल रहे थे तुम परतवाड़ा जाओ बोले, परतवाड़ा के वहाँ पे जाके बोले एक पत्रकार से अच्छे से मिलो बोले, वहाँ पे जाके शिकायत करो। ये जो आपको डरा धमका के किस कदर तक रखी है, आपके ऊपर अत्याचार कैसे कैसे होते थे ये बयान कीजिए आप। रोज मतलब खेत में लेके जाना जाता रहता था, मैं बोलती थी नहीं आती थी तो मुझे बहुत जबरदस्ती से घर पे आके तमाशा करके जाता था, तो फिर मुझे खेत में मतलब 2-2 घंटे रुका के रखता था। यानी 2 घंटे आपका शारीरिक शोषण? हाँ, 2 घंटे मुझे रुका के रखता था। यही शोषण होता था ना आपका? हाँ। बालाजी होटल में कितने बार होता है? बालाजी होटल में मैं फिलहाल में 3 बार गई हूँ। उसके अलावा भी शहर के और कहाँ कहाँ गए आप? चिकलदरा बुलोर या अन्य ठिकानों पर? चिकलदरा नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम में मतलब नहीं थी मैं यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम में वो मुझे कौन सा एरिया पता नहीं सेवाड़ों के उधर ऐसा जंगल था उधर लेके गया। तब वहाँ जबरन आपके ऊपर अत्याचार? हाँ, तो हाँ वो टाइम से मुझे बस पता ही नहीं था, तब मेरे मतलब इस बात हुई थी उसकी तो मुझे नहीं पता था वो ऐसे करने वाला है, उस टाइम से वो मुझे बोल रहा था तुझे आना ही पड़ेगा, मुझे लगा कि उसके पास मेरा क्या है क्या नहीं सबूत है, उसकी औरत भी मुझे बोलती कि तेरी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है बोलती है। यानी उसका ऐसा बोलना था कि उसने आपके गंदे फोटो निकाल के रखे, अश्लील फोटो, ब्लैकमेल कर रहा था? ब्लैकमेल कर रहा था। अरे गांव में आके भी उसने पूरे गांव में ऐसे बता दिया कि ए मेरे बच्चे की माँ बनी थी बोले उससे कोई शादी करना नहीं करना। तुम्हारी माँ को भी तुम्हारे घर पर जाके? मेरे घर पे जाके भी उसने बताई कि तुम्हारी लड़की प्रेग्नेंट थी बोले दो बार। और आपकी माँ को भी मारा उसने? हाँ, मेरी मम्मी को भी उसने मारा था। कैसे मारा है? मैं घर पे नहीं थी, मैं बाहर गई थी, तो मेरी मम्मी ने बाद में मुझे फोन किया तो एक जन आया था बोले परतवाड़े से बोले, वो आके बोले ऐसे ऐसे बोल के गया बोले तुम्हारी लड़की ने हमारे पास से 5 लाख रुपए लिए और बोले कि वो उससे मुझे शादी कर छोड़ के चली जाऊंगी, अभी 2 महीने का मेरा एमपीएससी का क्लास बाकी रह गया, मैं तो चली जाऊंगी, पर उसके बाद में वो और दूसरी लड़की उसने पकड़ के रखी। अब तक के आपको ऐसा लगता है कि उसने कितनी लड़कियों के साथ में शोषण किया ऐसा बयान किया? तो ऐसे तो बहुत है, क्योंकि उसकी बीवी ने मुझे कल खुद फोन किया, मैंने फोन की थी उसकी बीवी को, उसकी बीवी ने तो खुद बताया मुझे, दूसरे बीवी ने तो बोले मैं थक गई बोले लाइफ से बोले, मैंने तो बोले बहुत बड़ी गुनाह किया बोले इससे शादी करके बोले, उसमें तो बोले ऐसे सजा मिलनी को ना बोले उसको बोले भगवान भी बोले, पर बोले मैं तो रो रो की जिंदगी निकाल रही बोले यहाँ पे बोले, पर तू ऐसे काम मत कर बोले, तू भी अच्छा कुछ कर सकती बोले कर जा बोले, नहीं तो गाँव छोड़ के तू जा सकती। अब तक के कितनी लड़कियों का शोषण किया उसकी पत्नी ने बताया? उसने तो फिलहाल में बोलते 5 मतलब उसकी औरत ने बताया कि मैंने अभी तक बोले 3-4 लड़की को पकड़ा बोले खेत में, एक प्रीति नाम की लड़की का नाम लिया था और बोलते 2014 में से खुलते तो प्रकरण हुआ था बोलते कि एक 13 साल की लड़की थी ब्राह्मणी समाज की थी मुझे नाम नहीं पता, तो वो लड़की के साथ में किया तो उसकी कंप्लेंट डाली थी बोलते, पर उसने मुझे खुद से मुझसे बताया था नरेंद्र तांबे ने कि बोले मेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता बोले आज तक बोले मीडिया वाले कोई नहीं कर सकता बोले।